Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे. सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन टू बबल्स कोलाइड. हमने रेडियस निकालनी है उस बबल की जो कि दो बबल्स के कंबाइन होने से बना है. यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है कोलेस, कोलेस का मतलब यही है कि दो चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक हमें बड़ा स्ट्रक्चर कुछ दे रही है. सपोज़ करो हमारे पास एक बबल ये है, सेकंड बबल ये है, दोनों आपस में कंबाइन होकर हमें जब एक लार्ज बबल देंगे इसे हम बोलेंगे बबल फॉर्म्ड व्हेन टू बबल्स कोलेस. सो हमें यहाँ पर क्या करना है, उस नए फॉर्म्ड बबल की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है. सो उसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे देखते हैं. सो हमें रेडियस निकालने के लिए कुछ कंसीडरेशंस लेनी पड़ेंगी. हमने क्या ले लिया, कंसीडर कर लिया कि हमारे पास 200 बबल्स हैं जिनकी रेडियाई है हमारे पास R1 और R2. R1 R2 उन बबल्स की रेडियाई है जो आपस में कंबाइन होकर हमें क्या देंगे, बड़ा बबल, नया बबल जो है वो फॉर्म करेंगे. यहाँ पे हमने रेडियस कंसीडर की है. सिमिलरली यहाँ पे V1 और V2 हमारे पास वॉल्यूम्स होंगी उन बबल्स की, ठीक है. V1 वॉल्यूम होगी उस बबल की जिसकी रेडियस है R1, V2 वॉल्यूम होगी उस बबल की जिसकी रेडियस है R2. सो उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो ये बबल होता है ये हमारा क्या होता है, स्फीयर की शेप में होता है, ठीक है. हमारा एक स्फीयर की शेप में बबल होता है तो वहाँ पे हमारे पास जब वॉल्यूम निकाली जाती है तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³. अब अगर हम निकालना चाहते हैं V1, तो V1 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, V1 इज इक्वल्स टू 4/3 πr³. सिमिलरली V2 निकालना चाहें, V2 क्या होगा, 4/3 πr²³. ये हमारे पास वैल्यू आ गई वॉल्यूम्स की. अब हमने कंसीडर कर लिया कि ऐसा हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन है सोप सॉल्यूशन की. ऐसा हमारे पास क्या है, जिस सोप सॉल्यूशन से हमारे पास बबल्स फॉर्म हुए हैं उस सोप सॉल्यूशन की क्या है, सरफेस टेंशन है. उसी तरह से हमने कंसीडर कर लिया कि P1 और P2 हमारे पास क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल. P1 P2 क्या है हमारे पास, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल. अगर आपको याद हो हमने प्रेशर निकाला था वैल्यू एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, उस केस में हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आई थी वो आई थी 4f/r. ये वैल्यू हमें मिली थी उस केस में जब हमने निकाला था एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल. यहाँ पे भी हमारे पास सोप बबल है, उसी का ही हमने एक्सेस प्रेशर निकालना है. उस केस में हमारे पास बस यहाँ पे क्या है, P1 P2 हमारे पास दो प्रेशर्स निकलेंगे. P1 की वैल्यू होगी P1 इज इक्वल टू 4s/r₁, P2 की वैल्यू होगी 4s/r₂. सरफेस टेंशन हमारे पास यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वो हो रही है सोप सॉल्यूशन की, तो वो S1 S2 आप ना लिखना, गलती से भी वो गलत हो जाएगा आपका. सिंपल आपको S लिखना है क्योंकि यहाँ पे जो सोप सॉल्यूशन है दोनों बबल्स का वो सेम है, तो हमने उसकी सरफेस टेंशन जो ली है सोप सॉल्यूशन की वो S ली है. सो आप यहाँ पे S ही लिखेंगे. उसके बाद हमने कंसीडर कर लिया कि R हमारे पास रेडियस है उस बबल की जो कि हमारा नया फॉर्म हुआ है, जो दो बबल्स के कंबाइन होने से फॉर्म हुआ है. उसी तरह से V जो है उस सोप बबल की क्या होगी, वॉल्यूम, और P क्या होगा एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड दैट न्यू सोप बबल, ठीक है. हमने क्या कंसीडर कर लिया कि R हमारे पास रेडियस है उस नए बबल की जो कि फॉर्म हुआ है दो बबल्स के कंबाइन होने से, V उसकी वॉल्यूम है और जो P है वो क्या, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड दैट न्यू सोप बबल. तो यहाँ से अगर हम सिमिलरली यही वैल्यूज निकालना चाहें तो वो क्या निकलेगी, V इस केस में क्या निकलेगा हमारा, V इज इक्वल्स टू 4/3 πr³, सिंपली r³, क्योंकि इसकी वॉल्यूम, इसकी रेडियस जो है वो क्या है r, जो नए बबल की रेडियस है वो है r, और उसका जो प्रेशर निकलेगा वो क्या होगा, 4s/r.
जो प्रेशर निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, 4s/r। अब हमने ये कंसिडर कर लिया, ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंटरनल प्रेशर। हमने ये कंसिडर कर लिया कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंटरनल प्रेशर। और जो हमारा नया बबल फॉर्म हुआ है वो आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर जो है फॉर्म हुआ है, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर फॉर्म हुआ है। तो वहाँ पे हमने क्या लगा देना है, बॉल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, बॉल्स लॉ लगाएंगे। आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी को नहीं पता, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर हमारे पास जो है वो बबल फॉर्म हुआ है नया, तो उस केस में हमारे पास जो बॉल्स लॉ है वो होल्ड होता है। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इक्वल्स टू पी वी, हमारे पास ये बॉयल्स लॉ की वैल्यू होती है, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन होती है। सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें पी वन की वैल्यू पता है, वी वन की वैल्यू पता है, पी टू की, वी टू की, पी वी, हमें सारी वैल्यूज़ को पता है। हमने उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, रेडियस ऑफ न्यू बबल फॉर्म। तो न्यू बबल की रेडियस क्या थी, ये आर, हमें ये आर की वैल्यू निकालनी है सारा सोल्यूशन करने के बाद। सो अब हम वैल्यूज डालने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी वन है हमारा 4s/r1 इंटू वी वन है 4/3 πr³। सिमिलरली पी टू की वैल्यू है 4s/r2, वी टू की वैल्यू है 4/3 πr²³ इक्वल्स टू पी है हमारा 4s/r इंटू 4/3 πr³। हमारे पास ये सारी वैल्यूज ओवरऑल हमने सब्स्टिट्यूट करती है। अब यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। सबसे पहले जो कट रहा है उसे काट देंगे, यहाँ पे आर वन है, यहाँ पे आर वन क्यूब है, कैंसिल होके हमें क्या देगा, स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में स्क्वायर बचेगा। उसके बाद फोर यहाँ भी है, 4s यहाँ भी है, 4s यहाँ भी है, 4π यहाँ भी है, 4π यहाँ भी है, तो हमारे पास ये ओवरऑल वैल्यू क्या कॉमन आ जाएगी, 16s π। 16s π हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन ले लिया। जो रेस्ट टर्म्स हमारे पास बची हैं अंदर, और वन इसके अपॉन में 3 ये भी कॉमन आ जाएगा, ओवर 3 भी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास जो अब वैल्यू बचे हैं वो क्या बचे हैं, यहाँ पे r1² + r2² यहाँ पे भी सिमिलरली क्या 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 है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ rc ये कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा, स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बची राइट हैंड साइड पे, 16s/3। अब यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, πs से πs कैंसिल, और यहाँ पे r² बचा है, ये भी r², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बची है वो है r² = r1² + r2²। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इस r की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे r² आ रहा है बट हमें वैल्यू चाहिए r की। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, रूट में, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू है, जो रेडियस है हमारा, वो ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल रिजल्ट है, इसकी वैल्यू है हमारे पास रेडियस ऑफ न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन टू बबल्स कोलाइड। ये हमारे पास वैल्यू आई है उस रेडियस की। सो ये था छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है रेडियस ऑफ इंटरफेस व्हेन टू सो बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कॉन्टेक्ट। बहुत ही ये टॉपिक मैंने आपको करवाया, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, आई थिंक वो 3 से 4 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएगा। और इस उस टॉपिक के साथ ही आपका जो ये वाला पार्ट होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, किसका पार्ट था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नया पार्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक आपका
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक भी है। आप अगर इनको अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप अगर हायर स्टडीज़ में भी जाएंगे ना तो आपके साथ ये कंसेप्ट जाएंगे ही जाएंगे। वहाँ पे ये हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट जो है वो टॉपिक बस जो टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो ऊपर ऊपर से करवा के चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज है। सो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको एक एक टॉपिक करके करवाती हूँ ताकि आपको समझने में भी ईजी लगे और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अगर अभी से कर लेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की बनाई हुई, आज की जो वीडियो, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, करवाया हुआ, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में जाके बिल्कुल पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।